नमस्कार मस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छाता स्थित केडी मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां डॉक्टर ने बच्चे के ऑपरेशन के दौरान उसकी सिर में एक सुई छोड़ दी, जिससे बच्चे को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में सुनवाई न करने पर बच्चे के परिवारिक जनों ने छाता पुलिस को शिकायत की है। ये मामला है मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज का, जो कि मथुरा के छाता थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित है। यहां गांव अकबरपुर निवासी दाऊदयाल का 6 वर्षीय मासूम बच्चा खेलते समय टावर के जनरेटर पर गिर गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। दाऊदयाल ने उपचार के लिए अपने बच्चे को केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने मासूम बंसी के सिर का ऑपरेशन किया। बंसी की हालत में सुधार हो गया तो हॉस्पिटल से उसे छुट्टी दे दी गई। दाऊदयाल से चिकित्सक ने घर पर ही पट्टी करने के लिए कह दिया। जब घर पर मासूम बच्चे की पट्टी के लिए परिजनों ने जब उसकी पट्टी खोलकर सिर में लगे नुकीले उपकरण को देखने के बाद सभी हैरान रह गए। होली पर बंसी के सिर में दर्द हुआ तो दाऊदयाल उसे हॉस्पिटल लेकर आया, यहाँ चिकित्सक नहीं मिले। इसकी शिकायत दाऊदयाल ने छाता कोतवाली में करते हुए तहरीर दी। छाता कोतवाली प्रभारी पीड़ित के साथ हॉस्पिटल भी गए, लेकिन पीड़ित को होली की छुट्टी होने की वजह से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। क्या नाम है? दाऊदयाल सर। दाऊदयाल जी, क्या हो गया आपके बच्चे के साथ? ये सर, टावर की खिड़की से, जनरेटर की खिड़की से खेल रहा था, वो खिड़की उखड़ गई और इसके सर पर गिर पड़ी, उससे इसका सिर फूट गया। हम इसको केडी मेडिकल कॉलेज लेके गए, वहाँ इसको इमरजेंसी भर्ती किया, इसका ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन के उपरांत 16 तारीख को इसका डिस्चार्ज 4 बजे करा के हम लेके आए। आके फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करते रहे, जैसे ही इसका घाव सूखा है उसमें हमें इसमें सुई मालूम हुई है, तो हम इसको सुई मालूम हुई तो इसको लेके गए, तो वहाँ प्रशासन डॉक्टर वरुण सिसोदिया जी ने हम पर काफ़ी प्रेशर भी बनाया है, मेरे रिश्तेदारों का भी प्रेशर बनाया है। मैं पीडियो ससुराल मिली, वहाँ से भी प्रेशर आया है मेरे पास कि राजीनामा कर लो भाई, दफा जाएंगे कहीं, कहानी को ख़त्म करो। सुई तो कहाँ दी थी सर? सुई तो पट्टी करते हो घर पर सर? पट्टी करते हो घर पर? मैं सुई कहाँ निकली इसके सर? मैं सुई कहाँ निकली थी? कहाँ दी थी आपको सुई? घर पर दी थी सर। मतलब घर पर कहाँ दी थी आप? मैं इसकी पट्टी कर रहा था घाम में। देखी सर में? देखी सर में? सर में सर? सर में? सर में? सर में है सर। क्या मानते हैं आप डॉक्टर जी इस तरह की लापरवाही है सर? लोग डॉक्टर की पूरी पूरी लापरवाही है, और अगर ऐसे ही होते रहा तो कितने बच्चे मार देंगे। क्या सुई वो ऑपरेशन की जगह में दिखी थी और कहीं? नहीं, ऑपरेशन में है सर। जहाँ ऑपरेशन किया था वही सुई? हाँ, वही निकली हुई है। निकली हुई है। अभी आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस मामले? डॉक्टर तो ये कह रहे हैं भाई इस मामले में यही दवा करो, और दवा काफी प्रेशर भी बना रहे हैं, काफी दवा भी बना रहे हैं, लेकिन मैं सर कार्रवाई चाहता हूँ। मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। कार्रवाई चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे आगे पट्टी कर रहे हैं बाद में, तो जे तो तनाए मी हुआ, तो बा में घाव में मैं सुई दिखाई रही, तो मैंने इन्हें बताई ना सुनने बा घाव में सुई है। जिनने बोलते जो कही के सुई ना है, टाँके ही है, तो पागल दिख रो ना है। मैं टाँके ना है, मैं फिर जो जगाई सवेरे, तो मैंने जिनने दिखाई तो जब जिन करे हाँ जी तो हकीकत में सुई है। जब आप इस मामले को डॉक्टर के पास में लेकर के गए तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं? आप बना रहो भाई? हाँ हाँ, मैं मम्मी को फोन आयो माते काम थे, बेटा राजीनामा कर ले, जो ते पैसा लगे हैं सो ले ले तू, और कोई कहानी मत बनावे। हाँ हाँ, सोंदी आए ना आके, हमारे पीलू में रहते हुए हमारे चाचा लगाते हैं, सभी जो करे बेटा कोई बात ना, 10-20 हज़ार 50-40 लगे तू पैसा ले ले। आपका बच्चे का जो इलाज है वो किस हॉस्पिटल में हुआ था? केड़ी में। हमारे जो कही हमें ना कहा कि पैसा देना चाहिए, और भैया ऐसे नहीं आते, अगर बच्चा मरेंगे तो कहा होगा कहा कहते, हमें तो भैया कार्रवाई चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? दाऊदयाल जी, आप यहाँ क्यों आए हैं सीएम ऑफिस? मैं सर इसलिए आया हूँ कि वहाँ कोई सुनने जा रहा है, और जैसे इसका इसके बारे में सीएम साहब से भी मिला था और इंस्पेक्टर साहब से भी मिला, उन्होंने भी राजीनामा के लिए बोला कि आप राजीनामा कर लो, इस मेडिकल को निकलवा लो, और इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं सीएम साहब के पास आया। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ और कहाँ लेकर गए थे? ये सर घर पर ही जनरेटर से खेल रहा था, 15 तारीख को शाम को करीबन 6 बजे, और ये जनरेटर खिड़की से इसकी सिर में चोट आ गई। इसको केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया इमरजेंसी में, इमरजेंसी भर्ती किया तो उसके ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, चार्ज किया, काफ़ी लगाए। उसके बाद इन्होंने 16 तारीख को छुट्टी कर दी। 16 तारीख को जब छुट्टी हो गई तो हम घर पर लेके आए, तो होली वाले दिन मैं इसकी ड्रेसिंग कर रहा था, ड्रेसिंग कर रहा था, जब इसमें मुझे मालूम हुआ कि हाँ इसकी ट्रांसमिशन फंसी हुई है।
मैं इसको लेकर दोबारा के डी मेडिकल कॉलेज गया तो डॉक्टरों ने भी मान लिया कि हाँ इसमें लापरवाही से नेटर रह गई है और उन्होंने ये कहा कि भाई जो कुछ आपका पैसा लगा है वो पैसा देने के लिए तैयार हूँ और इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर मुझे संतुष्टि नहीं है, मैं फिर थाने पुलिस प्रशासन के पास भी गया, उन्होंने यही कहा कि राजीनामा कर लिया। मानते हैं आप बड़ी लापरवाही डॉक्टरों ने की है? लापरवाही है सर, और इससे पहले भी 15-20 दिन पहले मोतीराम जाटव का लड़का भी इन्होंने लापरवाही से मार दिया अकबरपुर का ही। समय रहते अगर आपको पता ना चलता तो बच्चे की बिल्कुल जाती जान। कौन है ये जिनका कॉलेज है, क्या इनका वजूद है? वजूद है सर, ये कांग्रेस के कट्टर नेता हैं और रामकिशोर अग्रवाल जी वृंदावन के बेटे हैं। कई कॉलेज हैं? कई कॉलेज हैं, अच्छी संपत्ति है, अच्छे अच्छे इनके पास आदमी है। अब क्या आपको किसी तरह का प्रलोभन या धमकाया जा रहा है? हाँ सर, धमकाया जा रहा है कि भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे और आप जो आपका खर्चा लगा है वो आपको खर्चा ले लो और आप शांति से घर बैठ जाओ। कोई लोभ भी दिया जा रहा है, प्रलोभन भी दिया? हाँ वो कह रहे हैं कि जो आपका पहले जो 15-20 हज़ार रुपये लगे हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं और इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो करने के लिए। मामला आया है, बच्चा है जिसका परिजनों का आरोप है कि उसके ऑपरेशन के दौरान मेडिकल कॉलेज वालों ने उसके सर में निडल छोड़ दी है। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप जिस तरह से एक मासूम बच्चा है और उसके सर पे एक निडल है, कहीं ना कहीं उसकी जान बड़ी मथुरा ब्लॉक पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने विभिन्न मामलों को लेकर अपनी फरियाद की। कुछ फरियादें तो मौके पर ही निपटा दी गईं, कुछ के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को मथुरा ब्लॉक पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस समाधान दिवस का शुभारंभ डीएम और एसएसपी ने मिलकर किया, बाद में वे किसी आवश्यक कार्य से चले गए। उनकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों ने समाधान दिवस की बागडोर संभाली। इस समाधान दिवस में विभिन्न मामलों को लेकर फरियादी आए थे जिनमें अधिकांश विद्युत विभाग, राजस्व विभाग और नहर विभाग को लेकर शिकायतें थी। कई शिकायती ऐसे थे जो पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर पीड़ित को लेकर समाधान दिवस में पहुंचे। इसी दौरान हुई बातचीत में एक पीड़ित ने समाधान दिवस में अपनी व्यथा बताई। क्या बच्चे क्या हुआ था? उन्होंने 24 घंटे तक इसको इमरजेंसी रखने पर इसको डिस्चार्ज कर दिया, हम इसको घर लेके आ गए। तो मैं सर शनिवार के दिन होली वाले दिन इसका पट्टी खोल के दोबारा पट्टी करने के लिए उसकी सिर खोला था, तब इसमें उसकी अलग चमक रही है सर। अभी भी है इसमें? हाँ सर अभी भी है। कहाँ के रहने वाले हो? अकबरपुर। तो आपको डॉक्टर साहब को क्या कह रहे हैं? मैं लेके गया था सर, उन्होंने ये कहा कि भाई जो हुआ है ठीक है, गलती तो होती है और इसका जो ट्रीटमेंट हम कर देंगे और जो पहला पैसा लगा है वो। आप क्या चाहते हैं? मैं सर कानून कार्रवाई करूँगा, मैं नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ये आगे लापरवाही करते रहेंगे। उनका जो सीटी स्कैन के तरफ का लग रहा है कि उनके फ्रैक्चर है और ट्रीटमेंट इसको की गई है के डी मेडिकल कॉलेज, लेकिन जहाँ पर सवाल उसका सुई रह रही है उसके लिए जाँच करेंगे, जाँच करेंगे। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप जिस तरह से एक मासूम बच्चा है और उसके सर पे निडल है, कहीं ना कहीं उसकी जान पर बन सकती है? लापरवाही तो है, थैंक यू। कृष्णानगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इस मामले को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में सीओ सिटी प्रीति सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी। कृष्णानगर पुलिस द्वारा पकड़े गए ये दोनों युवक वो शातिर मादक पदार्थ तस्कर हैं जो पिछले काफी समय से कर रहे थे नशीले पदार्थों की तस्करी। ये पकड़े गए शातिर जितेंद्र उर्फ जीतू मनोज कुमार निवासी थाना हाईवे क्षेत्र के रहने वाले हैं। दरअसल कृष्णानगर चौकी प्रभारी अनुराग शर्मा एसएसपी द्वारा दिए गए आदेश पर चेकिंग अभियान चलाए हुए थे। इसी दौरान एक मारुति स्विफ्ट कार आती दिखाई दी। जब चौकी प्रभारी अनुराग शर्मा ने तलाशी के निर्देश दिए तो ये दोनों युवक घबरा गए। जब तलाशी ली गई तो कार
कार में 14 किलो अफीम पोस्ट नशीला पदार्थ बरामद हुआ। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में सीओ सिटी द्वारा जानकारी दी गई। कृष्णानगर चौकी पुलिस को दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। जब उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से 14 किलो नशीला पदार्थ प्राप्त हुआ। दोनों लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट कार भी प्राप्त हुई है, तो उसका अभी तस्दीक किया जा रहा है, गाड़ी का नंबर वगैरह, और बाकी इसमें मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या मैम इनका कोई पहले भी पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है कुछ? इनमें से जो एक व्यक्ति है वो पूर्व में पहले जेल जा चुका है, वो भी पूरा डिटेल उसका निकल रहा है। इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है, ये राजस्थान से लेकर आते हैं और राजस्थान से इस रूट से होते हुए हाथरस तक इस नशीले पदार्थ की तस्करी। इनका सबसे अभी पूछताछ की गई है, कुछ नाम और जो हमें पता चले उनको फिर आगे ट्रेस किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी यशोदा बेन मंगलवार को गोवर्धन पहुंची। यहां उन्होंने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की। वे यहां हाथरस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी यशोदा बेन मंगलवार को मथुरा के गोवर्धन पहुंची, जहां उन्होंने गिरिराज दान घाटी मंदिर पर गिरिराज की पूजा अर्चना कर मनौती मांगी। आज वो राजस्थान अलवर से निजी वाहन द्वारा यूपी के हाथरस में एक विवाह समारोह में शिरकत करने जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने गोवर्धन दान घाटी मंदिर पर गिरिराज की पूजा की। इसके पश्चात यशोदा बेन भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता महादेव शर्मा के ऑफिस पहुंची, जहां महादेव शर्मा ने यशोदा बेन का दुपट्टा और एक स्मृति चिन्ह के रूप में तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान यशोदा बेन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ब्रज में पहली बार आई हूँ, गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की है और मन को बड़ी शांति मिली है। इसके उपरांत यशोदा बेन एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हाथरस के रविंद्र उर्फ मुन्ना प्रधान के यहाँ निकल गयी। यहाँ गिरिराज जी में भगवान कृष्ण ने लीलाएं की, कैसा लगा आपको? तीसरी बार आए भगवान की जय करें। पहले भी आ चुकी हैं आप यहाँ? तीसरी बार की है। तीसरी बार की है। पहले 2010 में आए थे। कैसा अनुभव हो रहा ठाकुर जी? ऐसा पे पूजा नहीं किया, दो पर दर्शन किया था और अभी तो दर्शन पूजा किया। आज तो आपने दूध से आज बहुत खुशी हो गई। आप यहाँ से किसी निजी कार्यक्रम में धार्मिक कार्यक्रम में कहाँ जा रही हैं? आगे छाता क्षेत्र में जीव विज्ञान द्वितीय का प्रश्न पत्र लीक होने पर हकम मच गया। बाद में DIOS के आदेश पर ये प्रश्न पत्र चेंज कराया गया। मामला छाता क्षेत्र राजकीय माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विद्यालय का तूमौला गांव का है, जहां सोमवार को इंटरमीडिएट का जीव विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र था, लेकिन कॉलेज की लापरवाही और निरीक्षक की मिलीभगत के कारण सोमवार के दिन ही जीव विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र की जगह जीव विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र को निकाल दिया गया। एक दिन बाद जब इसकी जानकारी किसी तरह मथुरा के DIOS को लगी तो उन्होंने टीम को जांच के लिए भेज दिया। मथुरा के DIOS अरुण कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच में पाया कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही से प्रथम जीव विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र की जगह द्वितीय प्रश्न पत्र दे दिया गया। हम आपको बता दें कि जीव विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा बुधवार को द्वितीय पाली में होनी थी, लेकिन जब पेपर लीक होने के बारे में मथुरा के DIOS अरुण कुमार से बात की तो उनका कहना था कि 5 तारीख को होने वाले जीव विज्ञान प्रथम पेपर की जगह जीव विज्ञान द्वितीय का प्रश्न पत्र वितरित कर दिया गया और जब मामले की जानकारी हुई तो पेपर को वापस रखकर जीव विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र बांट दिया गया। अरुण कुमार ने बताया कि इसकी जानकारी उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को दे दी है और 7 तारीख को होने वाले विज्ञान द्वितीय पत्र के सेट को बदल कर उसकी जगह दूसरे प्रश्न पत्र से पेपर दिलवाया जाएगा। मथुरा में प्रथम प्रश्न पत्र की जगह द्वितीय प्रश्न पत्र बांटने का कोई ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्रथम प्रश्न पत्र की जगह द्वितीय प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कार्रवाई करता है। कोसी से मंच न्यूज के लिए लोकेश गर्ग की रिपोर्ट। पेपर के बारे में क्या मामला? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुम्हाला बोर्ड परीक्षा वर्ष 2018 का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 5 मार्च को द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट जीव विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के परीक्षा के पेपर के स्थान पर 7 तारीख को होने वाले इंटरमीडिएट जीव विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के पेपर को केंद्र स्थापक द्वारा काट दिया गया। आज मुझे सूचना मिली, किसी ने दूरभाष से मुझे बताया, प्रधानाचार्य से घटना की जानकारी प्राप्त की गई। प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि यह घटना सत्य है।
मैं परीक्षा केंद्र पर पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो सर कुछ मिला आपको? अभी जांच कार्य गतिमान है, जांच कार्यवाही गतिमान है, किसी निष्कर्ष पर जांच पूर्ण होने के उपरांत ही पहुंचा जा सकेगा। तो सर आप जांच करो फिर मैं देख। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये गलत प्रश्न पत्र के पैकेट काट दिए गए, ये घटना सत्य है। वास्तव में पूरी घटना इस तरह से है, दिनांक 5 तारीख को इंटरमीडिएट जीव विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा थी। नियमानुसार इंटरमीडिएट जीव विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा के पेपर के पैकेट ही काटे जाने थे, लेकिन गलती से प्रथम प्रश्न पत्र के स्थान पर इंटरमीडिएट जीव विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसकी परीक्षा 7 तारीख को 7 मार्च को होनी थी, उसके पेपर काट दिए गए और जैसा कि मुझे बताया गया कि परीक्षार्थियों में वितरित भी कर दिए गए। प्रकरण के संज्ञान में आने पर उसे परीक्षार्थियों से कनेक्ट किया गया, उसे सील पैक किया गया और सील पैक करने के उपरांत पुनः 5 तारीख की परीक्षा का जो वास्तविक प्रश्न पत्र था उसे परीक्षार्थियों में वितरित करके परीक्षा कराई गई। जैसे कि उनके पास पहुंच गया था तो अब जैसे लीक हो गया वो, तो क्या वो दोबारा पेपर वो होगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने बोर्ड को, इलाहाबाद बोर्ड के सचिव को हमने बता दिया है, वहाँ से प्रश्न पत्र भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जिन जिन परीक्षा केंद्रों पर ये प्रश्न पत्र रहा होगा उन सारे परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र बदले जाएंगे और परिवर्तित प्रश्न पत्र से इंटरमीडिएट जीव विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा कल ही अर्थात 7 मार्च को ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और पूर्व निर्धारित समय अनुसार कराई जाएगी। तो ये गलती से कटे हैं या वैसे ही काटे गए, तो कोई कार्रवाई की जाएगी? ये अभी जांच का विषय है, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। अब जांच करने पर जो तथ्य सामने आएगा उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। सर ये मथुरा में ये दूसरा मामला है सर जी, तो सर इस पर लापरवाही का क्या विचार करोगे सर? ये लापरवाही स्पष्ट रूप से लापरवाही का प्रकरण है, स्पष्ट रूप से इसमें लापरवाही प्रथम दृष्टया संज्ञान में आ रही है। इसकी मैं गहनता से जांच करूंगा और जो भी उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। इन दिनों गरुण गोविंद मंदिर परिसर में खुलेआम जुआरियों का मेला लगने लगा है। ताजुब वाली बात है कि पिछले कई दिनों से यहां जुआ खेला जा रहा है, लेकिन इलाका पुलिस को खबर भी नहीं है। ये दृश्य है छठीग्रह स्थित गरुण गोविंद मंदिर का, जहां दिन दहाड़े होता है जुआ। हमारी टीम जब दर्शन करने गई तो देखा कि वहां खुलेआम जुआ खेला जा रहा है। ये मालूम करने पर कि कौन कौन से लोग जुआ के इस गैरकानूनी काम को कर रहे हैं तो पता चला कि ये जुआ मंदिर के ही पुजारी और कुछ पदाधिकारियों की शह पर दिन दहाड़े होता है। कुछ अन्य लोग भी जुए के इस खेल में शामिल हैं। ये जुआरी पुलिस के डर से बेखौफ होकर दिन दहाड़े जुआ खेलते हैं, जहां लगती हैं हर पत्ते पर रुपयों की बाजियां। गरुण गोविंद मंदिर परिसर में ये खुलेआम जुए का खेल पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन ताजुब वाली बात है कि अभी तक और आज तक पुलिस की नजर इन जुआरियों पर नहीं गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि इस गंदे खेल को तत्काल बंद कराया जाए और दोषियों को पकड़कर जेल भेजा जाए, ताकि मंदिर की पवित्रता, गरिमा और श्रद्धालुओं का विश्वास आहत न हो। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देखते रहिए मंच न्यूज़।